नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजेंद्र नागर इस समय आपके साथ और आप देख रहे हैं अभय न्यूज पर 20 मार्च सोमवार दोपहर का बुलेटिन। आइए एक नजर डालते हैं आज की ताजा सुर्खियों पर। महाकाल दर्शन करने आए महाराष्ट्र के श्रद्धालुओं के साथ हुई चोरी की वारदात, उपज का नहीं मिल रहा है उचित दाम, मंडी में किसानों का हंगामा, विक्रम का दीक्षांत समारोह 22 को 21 को दो बार होगी रिहर्सल, कल बराबर होंगे दिन और रात, और श्री माधव क्लब के चुनाव में कलवाड़िया जीते फिर से सचिव बने। बुलेटिन में अभी और भी बहुत कुछ है, आप सिर्फ मेरे साथ बने रहिए। इस बुलेटिन के प्रायोजक हैं विनायक फाइनेंस एंड सर्विसेज। महाकाल थाना क्षेत्र में लगातार दूसरे दिन बाहर से आए हुए यात्रियों के साथ घटना हुई। रविवार सोमवार की दरमियानी रात यादव धर्मशाला में ठहरे महाराष्ट्र के श्रद्धालु परिवार के सिरहाने से बैग में रखी हुई 1.5 लाख रुपए से अधिक कीमत की ज्वेलरी चोरी हो गई। फरियादी सोमवार सुबह जब महाकाल थाने रिपोर्ट लिखवाने पहुंचा तो थाने के स्टाफ ने आवेदन लेकर उन्हें रवाना कर दिया। हालांकि फरियादी के पास घटना के CCTV फुटेज भी मौजूद है। रविवार को इंदौर रोड स्थित होटल कलश से दिल्ली और विदिशा के दो परिवारों के साथ पिस्टल दिखाकर लूट की घटना की वारदात को 24 घंटे भी नहीं बीते थे और महाकाल थाना क्षेत्र में ही थाने से महज 150 मीटर की दूरी पर चोरी हो गई। यह वारदात माधव सेवा न्यास की पार्किंग के सामने स्थित यादव धर्मशाला में ठहरे महाराष्ट्र के एक परिवार के साथ हुई। दरअसल महाराष्ट्र के अकोला जिला स्थित मूर्तिजापुर से राहुल पिता नंदलाल साहू अपनी पत्नी कस्तूरी और भाई हर्षल के साथ एक दिन पहले महाकाल दर्शन करने उज्जैन आए थे। वे यादव धर्मशाला में ठहरे थे। रविवार सोमवार की दरमियानी रात 1 बजे से 1:30 बजे के बीच किसी अज्ञात युवक ने राहुल की पत्नी कस्तूरी के सिरहाने रखे बैग से सोने की अंगूठी, चेन, बच्चे का लॉकेट और कान के झुमके चोरी कर लिए, जिनका वजन करीब 3 तोला था। घटना का CCTV फुटेज भी सामने आया है, जिसमें चोर ने बैग उठाकर उसमें से जेवर निकाले और फिर बैग वहीं रखकर निकल गया। हालांकि बैग में 20,000 रुपए नगद भी थे, जो सुरक्षित हैं। अपने साथ हुई इस घटना की शिकायत करने जब फरियादी परिवार महाकाल थाने पहुंचा तो पुलिस कर्मियों ने आवेदन लेकर परिवार को रवाना कर दिया, जबकि फरियादी राहुल के मोबाइल में घटना के CCTV फुटेज भी मौजूद है। महाकाल मंदिर में दर्शन करने आए थे, यहाँ पर सोए थे रात को हमारी लग गई मेरे भाई की और वो चोर आया वहाँ से रात को 1 बजे CCTV में दिख रहा है। हाँ, उन्होंने बैग उठाया यहाँ से वहाँ ले गए। हाँ, रात को मेरी 3 बजे मेरी वाइफ की नींद खुली तो हम बैग देख रहे, बैग गायब करके उधर जाके देखे हमने, गद्दे के नीचे पर्स बैग जो था छुपाया हुआ था। हाँ, वो बैग खुला हुआ था तो हमने उसमें चेक किया तो हमारा उसमें सोना गया। कितना सोना, क्या क्या गया आपका उसमें? हमारी अंगूठी थी, चैन थी और मेरे बच्चे का लॉकेट था। हाँ, और मेरी वाइफ के कान के झुमके थे और नथनी थी। 3 तोला सोना था। स्थित कृषि उपज मंडी में सोमवार को हंगामा हो गया। यहां व्यापारियों द्वारा कम कीमत पर उपज खरीदने को लेकर किसान नाराज हो गए और उन्होंने मंडी परिसर में ही धरना दे डाला। इस दौरान नीलामी कार्य भी रुका रहा। सूचना पर SDM मौके पर पहुंची और किसानों को समझाने का बहुत प्रयास किया, लेकिन वे नहीं माने। इसके बाद कांग्रेस किसानों के समर्थन में मैदान में उतर आई और उन्होंने नारेबाजी की। दरअसल सोमवार सुबह कृषि उपज मंडी में नीलामी की शुरुआत हुई। व्यापारियों ने किसानों की गेहूं की बोली 1800 रुपए प्रति क्विंटल लगाई, जिसके बाद किसानों ने हंगामा कर दिया। किसानों का कहना था कि बोली 2100 रुपए प्रति क्विंटल से शुरू की जाए, इतनी कम कीमत पर हम उपज नहीं बेचेंगे। इसके बाद वे धरने पर बैठ गए। हंगामे की सूचना पर SDM कल्याणी पांडे मौके पर पहुंची और किसानों से चर्चा की। उन्होंने किसानों से कहा कि 25 मार्च से समर्थन मूल्य पर खरीदी की शुरुआत होगी, तब उपज लेकर आए। इस पर किसानों ने कहा कि तब तक आप मंडी बंद करवा दें। किसानों ने यह भी कहा कि FAQ के मापदंडों पर खरा उतरने के बाद उपज की कीमत तय की जाए। ट्राली दिख रही है आपको, ये जो लगी ना ट्राली, ये वाली, इस ट्राली का नीलाम जो करता है उसने 2100 से बोली लगाई थी। उसके पश्चात वो जो खरीदार होता है, जो व्यापारी होता है, उसने बोले नहीं भाई इसके 1800 से बोली लगाओ। आप गेहूँ देखिए, इस गेहूँ की क्वालिटी में आपको कौन सा डिफरेंट दिख रहा है? देखिए इस क्वालिटी में कोई गज्जर दिख रहा है, इसमें मिट्टी दिख रही है, बताइए क्या क्या स्थिति इस गेहूँ की? ये गेहूँ अगर 1700 बेचेगा किसान तो क्या कमाएगा उसमें? वो आप बताइए, 3000 रुपये की DAP की बोरी हो गई है और 500 रुपये यूरिया लेता है सरकार, कुछ नहीं। या तो मैं कह रहा हूँ कि FAQ करो, इसका FAQ करके निकालो ना, वजन देखो, मॉइस्चर देखो, मॉइस्चर मीटर लेके आओ, मॉइस्चर देखो, इसका FAQ करो उसमें। अगर FAQ में वजन कम आता है, 173 से अगर कम आता है FAQ में वजन, सॉरी 348 से कम आता है FAQ वजन, तो आप वजन के हिसाब से नंबर वो काटो आपका। अब FAQ करके हमारा कहना क्या, आप FAQ करके ले, जो भी आपका FAQ में आ रहा है, जो मापक दंड में आ रहा है उस हिसाब से ले लीजिए आप। किसानों बोला 2100 से स्टार्ट करिए बोली, तो 2100 से लो ना आप, जिससे बोली स्टार्ट करिए उससे लीजिए आप।
अच्छा कम में क्यों ले रहे हो आप? हर बार ऐसा दर्शाया जाता है यहाँ पे किसानों ने बंद कर दी। वास्तव में किसान मंडी बंद नहीं करता है, जब उसको उसकी फसल जो 6 महीने मेहनत करके मार्केट में लाता है और उसको एक पानी के 1 लीटर के भाव के पैसे नहीं मिलते हैं, उसको 20 रुपये नहीं 1700 रुपये में गेहूँ खरीद रहे हैं, तो किसान क्या करेगा? उस कारण से किसान पर नाराज होता है और मंडी बंद हो जाती है। हमारा सरकार से और प्रशासन से और माननीय कलेक्टर महोदय से निवेदन है कि गेहूँ कम से कम किसान का 2100 रुपये क्विंटल में खरीदें। आप देख रहे हो 8-10 दिन से लगातार बारिश हो रही है, ओलावृष्टि हो रही है, किसानों की फसलें नष्ट हो गई है, उसके बावजूद कुछ अगर किसान माल बचा के अगर यहाँ लेके आ रहा है उसका, तो उसको क्या है? जब आज 1800 रुपये में जो गेहूँ 1700 रुपये बिक रहा, आज से 10 साल पहले भी यही भाव में बिक रहा था। इधर कांग्रेस ने भी किसानों का समर्थन किया और वरिष्ठ कांग्रेस नेता राजेंद्र वशिष्ठ के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने जय जवान जय किसान के नारे लगाए। एक किसान आज गरीब परेशान है, बिजली गिरी, ओले गिरे, पानी गिरे, वैसे ही कर्ज से दबा हुआ, ऐसे व्यक्तियों के शोषण सरकार के नेताओं के इशारों पर हो रहा है। लेकिन कांग्रेस पार्टी सड़क पर है, कांग्रेस पार्टी किसानों के साथ है और सरकार स्पष्ट करे कि वो मिनिमम समर्थन मूल्य से कम पे खरीदी के लिए अधिकारी को निर्देश दिए हैं, वो नहीं चाहती, स्पष्ट करे। और हम इस संबंध में कांग्रेस पार्टी मैदान में और किसानों के साथ है, किसानों के साथ खड़ी हुई है। आज विधानसभा में कांग्रेस पार्टी ने 3000 रुपये समर्थन मूल्य की बात कही है और 3000 रुपये समर्थन मूल्य कांग्रेस पार्टी आएगी करेगी, लेकिन आज जो मिनिमम समर्थन मूल्य है उस पे भी कम पे खरीदी कर रहे हैं, 2125 से भी कम पे। हालांकि बाद में SDM कल्याणी पांडे ने कलेक्टर से चर्चा करने की बात किसानों से कही, जिसके बाद हंगामा खत्म हो गया। किसानों का यहाँ पर ये कहना है कि जो समर्थन मूल्य है उस पर अभी खरीदी हो, जबकि यहाँ पर जो अभी ओपन मार्केट में उनको जो रेट मिल रहे हैं, उनकी क्वालिटी जिस हिसाब की है गेहूँ की, उस हिसाब से जो रेट हैं, तो वो उस पर चाह रहे हैं कि वो थोड़े से रेट उनको हाई मिलें। बट अभी क्योंकि ओपन मार्केट के अंतर्गत नीलामी की जा रही है, तो उस हिसाब से ही जो रेट कोट हो रहे हैं वो उनको दिए जा रहे हैं, और ये सब नियम से ही। अभी हम मंडी सचिव से पूछ रहे हैं, उनके द्वारा ये बताया गया है कि उन्होंने लिए हैं, पूर्व में सैंपल लिए हुए हैं, उसकी संख्या वो बताएंगे अभी हमको, और आज के दिन में वो अभी कभी कर ही रहे हैं, उस पर ही कार्रवाई कर रहे हैं, लेंगे वो उसके सैंपल्स लेंगे वो। नीलामी चालू करने के लिए हमने किसानों से बात की है और अभी और चर्चा होगी, उसके बाद चालू करा दी जाएगी। विक्रम विश्वविद्यालय का 27वां दीक्षांत समारोह 22 मार्च को आयोजित होगा और इसके लिए तैयारियां अब अंतिम दौर में है। मंगलवार को 2 बार दीक्षांत समारोह की रिहर्सल की जाएगी। गुड़ी पड़वा पर आयोजित विक्रम विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में वर्ष 2022 के PhD और D.Lit उपाधि धारकों को उपाधि तथा वर्ष 2022 की स्नातक परीक्षाओं की प्रावीण्य सूची में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को स्वर्ण पदक प्रदान किए जाएंगे। इसी तरह वर्ष 2022 की स्नातकोत्तर परीक्षाओं की प्रावीण्य सूची में प्रथम स्थान प्राप्त अभ्यर्थियों को उपाधि एवं विश्वविद्यालय द्वारा घोषित स्वर्ण पदक प्रदान किए जाएंगे। समारोह से पहले 21 मार्च को सुबह 10 बजे एवं दोपहर 3:30 बजे स्वर्ण जयंती सभागार में रिहर्सल की जाएगी। 21 मार्च को विशेष खगोलीय घटना होगी। पृथ्वी के चारों ओर भ्रमण के कारण सूर्य विषुवत रेखा पर लंबवत रहेगा और इसके चलते दिन और रात बराबर अर्थात 12-12 घंटे के होंगे। शासकीय जीवाजी वेदशाला के अधीक्षक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद गुप्त ने बताया कि 21 मार्च के बाद सूर्य उत्तरी गोलार्ध एवं मेष राशि में प्रवेश करेगा। सूर्य के उत्तरी गोलार्ध में प्रवेश के कारण दिन धीरे धीरे बड़े होने लगेंगे और रातें छोटी। यह क्रम 21 जून तक जारी रहेगा। 21 जून को दिन सबसे बड़ा और रात सबसे छोटी होगी। इस खगोली घटना को 21 मार्च को शासकीय जीवाजी वेदशाला में शंकु अथवा नाड़ी वाले यंत्र के माध्यम से प्रत्यक्ष देखा जा सकेगा। शंकु की छाया दिन भर सीधी रेखा यानी कि विषुवत रेखा पर गमन करती हुई दिखाई देगी। शुद्धता के वादे के साथ जैन पद्धति से निर्मित सभी व्यंजनों और बेकरी आइटम्स का लुफ्त उठाने चले आइए अक्की बेकर्स एंड फास्ट फूड। अक्की बेकर्स पर मौजूद है विभिन्न प्रकार के बर्थडे केक, पेस्ट्रीज, कुकीज, खारी टॉर्ट, क्रीम रोल, सभी प्रकार के बेकरी आइटम्स। और अब गर्मी के मौसम में लुफ्त उठाइए अलग अलग फ्लेवर्स की मटका कुल्फी का। पाव भाजी से लेकर चाइनीज, हर फास्ट फूड है यहाँ।
तो कोई भी हो ओकेजन, हम देंगे आपको शानदार मेहमान नवाजी। आज ही विजिट करें अक्की बेकर्स एंड फास्ट फूड ट्रेजर मॉल के सामने महाकाल वाणी जी उज्जैन। संपर्क 9009493003 या 7987374479 या 9407153108। श्री माधव क्लब में चल रही चुनाव की गहमागहमी रविवार रात परिणाम आते ही थम गई। इसमें सचिव पद पर बंटू कलवाड़िया ने जीत दर्ज की। उन्होंने अपने प्रतिद्वंदी को भारी मतों के अंतर से हराया। दरअसल श्री माधव क्लब में रविवार दोपहर 2 बजे से मतदान प्रक्रिया की शुरुआत हुई। इसमें क्लब के 623 सदस्यों में से 581 ने मताधिकार का प्रयोग किया। रात 9 बजे आए परिणाम में सचिव पद पर बंटू कलवाड़िया ने 252 वोटों से जीत दर्ज की। उन्हें 416 वोट मिले। उनके प्रतिद्वंदी संतोष अग्रवाल को 164 वोट ही मिल सके। इसके बाद समर्थकों ने विजयी प्रत्याशी का स्वागत कर जश्न मनाया। बिना बताए घर से निकली एक महिला की लाश सोमवार को नरसी घाट पर तैरती हुई मिली। वह इंदौर के राऊ की रहने वाली थी। लाश की सूचना वहां उपस्थित लोगों ने महाकाल पुलिस को दी और जिसके बाद पुलिस ने शव को बाहर निकलवाकर जिला अस्पताल भेज दिया। पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया। दरअसल प्रियंका पति देवेंद्र वानखेड़े उम्र 30 साल निवासी राऊ रविवार दोपहर घर से बिना बताए कहीं चली गई थी। परिजनों ने काफी तलाश किया लेकिन उसकी कोई जानकारी नहीं मिली। इसके बाद राऊ थाने में गुमशुदगी दर्ज करवाई गई। सोमवार सुबह प्रियंका की लाश नरसी घाट पर शिप्रा में तैरती हुई मिली। महाकाल पुलिस ने पोस्टमार्टम के बाद शव को परिजनों को सौंप दिया है। पीएम रिपोर्ट के बाद ही मौत के कारणों का पता चल सकेगा। खेत में भेड़े चराने से मना करने पर राजस्थान के 2 युवकों ने वृद्ध के साथ जमकर मारपीट की, जिससे वृद्ध लहूलुहान हो गया और उसके सिर में गंभीर चोट आई। उसे जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया। घटना बड़नगर थाना क्षेत्र के ग्राम पीताखेड़ी की है। यहां रविवार दोपहर संतोष पिता राम अवतार बोरासी उम्र 50 साल के खेत में राजस्थान से आए 2 युवक भेड़ों को चरा रहे थे। जब संतोष ने उन्हें मना किया तो दोनों युवक इतने आक्रोशित हो गए कि उन्होंने लठ से संतोष की जमकर पिटाई कर दी। सिर पर गंभीर चोट लगने से परिजन उसे तुरंत जिला अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां 10 टांके लगाने पड़े। मामले में बड़नगर पुलिस ने प्रकरण दर्ज किया है। ये गेटले वाले जो राजस्थान से भेड़ लेके आते हैं चराने, इन लोगों ने मारा मेरे को। क्यों मारा था? मेरे खेत में गेहूँ चरा रहे थे। कितने लोग थे वो? ये 2 जने थे। इनको समझाना गया, मैंने कहा मत चराओ, मेरा अनाज मत खिलाओ, वो मेरा गाय ढोर का चारा है, ये तुम खिला जाओ, मैं क्या खिलाऊंगा। उज्जैन में 2011 से विश्वास के साथ आपका अपना महाकाल होम फूड रेस्टोरेंट लाया है एक और नई सौगात नानाखेड़ा में। शुद्धता के साथ नए कलेवर में आपके लिए लाए हैं चाइनीज, इंडियन, गुजराती, पंजाबी, पिज्जा, बर्गर, सैंडविच और भी व्यंजनों की विशाल श्रृंखला, साथ ही सभी प्रकार की थालियां। शहर में मौजूद है हमारी सिर्फ 3 शाखाएं, डाबरी पिठा, फ्रीगंज और अब नानाखेड़ा, जहां पर आप पाएंगे किटी पार्टी, बर्थडे पार्टी, कॉन्फ्रेंस पार्टी के लिए हॉल, वो भी बिल्कुल मुफ्त। तो एक बार चले आइए महाकाल फूड एंड रेस्टोरेंट। हमारा पता 2/6 कॉस्मोस मॉल रोड, नानाखेड़ा, उज्जैन। नानाखेड़ा संपर्क 9997900113। फ्रीगंज संपर्क 9997902625। डाबरी पिठा संपर्क 9589102625। उधारी के रूप में मांगना एक अघेड़ को महंगा पड़ गया। पड़ोसी ने उसे लठ से जमकर पीट दिया। उसे जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया। पुलिस के मुताबिक उनेल थाना क्षेत्र के ग्राम पीपलिया सागर में रहने वाले मांगीलाल पिता हिंदू जी ने 2 माह पहले पड़ोस में रहने वाले लखन पिता बालू को 15,000 रुपये उधार दिए थे। 17 मार्च को मांगीलाल ने लखन से जब रुपए मांगे तो लखन ने लठ से उसकी जमकर पिटाई कर दी, जिससे मांगीलाल के पैर में चोट आई। घायल को जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। इस मामले में पुलिस ने रविवार को प्रकरण दर्ज किया। घटना वही है, या पैसा मांगने गया था तो उसने हाथ पकड़ी गाइडिंग घर में लेगी, उन्हें कह चल कर दो पैसा के, तो उन्होंने लाठी चला दी थी घर पे 17 तारीख ने, लखन ने 15,000 घर पर, घर वहाँ पे जे पास में जी घर। तो ये थी आज की ताज़ा खबरें। कल फिर इसी समय आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।